बेसिक स्कूल के बच्चों ने जाने अंग्रेजी विषय की बारीकियां। प्राथमिक विद्यालय मटिया नगला में हुआ ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर। एआरपी जयपाल सिंह ने दिए बच्चों को उपयोगी टिप्स। बेसिक शिक्षा के इतिहास में पहली बार डॉक्टर अमित शर्मा की नवाचारी पहल से शुरू हुई श्री दर्शन ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत हुआ ऑनलाइन अतिथि व्याख्यान। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने श्री दर्शन ऑनलाइन गेस्ट लेक्चर सीरीज एक शुरू करी है, उसमें बड़े बड़े विद्वानों के खूब सारे अतिथि व्याख्यान ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं, है ना। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक बहुत बड़े विद्वान इंग्लिश के एआरपी फैजपुर ब्लॉक के श्री जयपाल सिंह जी सादर आमंत्रित हैं। वो आप लोगों को इंग्लिश विषय के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। अच्छा ये बताइए, इंग्लिश पढ़ना कैसा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? मजेदार विषय है। जयपाल सर आपको इसके महत्व के बारे में बताएंगे, क्यों जरूरी होता है ये इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, और इसको पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में भी वो विस्तार से बताएंगे। तो बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आदरणीय जयपाल सर आपका। फल सब्जियां, दिनों के नाम, सप्ताह के नाम, जो उसके दैनिक जीवन से संबंधित चीजें हैं वो उसे इंग्लिश में ही हमें बात ही लेके चलना है। उसके लिए हमें आपसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे शब्द हैं इंग्लिश भाषा के, सिट डाउन, ओपन योर बुक्स, जो हम बोलते हैं टम हेयर, गो देयर, इस प्रकार अगर हम बच्चे से बोलेंगे तो उसकी शुरुआत ही वो आत्मविश्वास उसके अंदर आएगा और ये लगेगा कि मेरी स्वतः जो है इस भाषा पर पकड़ है और मैं जानता हूँ। ताकि जो विभिन्न प्रकार का हमारा टीएल इंग्लिश भाषा से संबंधित है उसे हमें यूज करना है। जो चीजें हम शेयर करते हैं, हमारी बाला पेंटिंग है, कक्षा कक्षा जो चीजें हमारी लगी हुई हैं, तो सारी जो इंग्लिश से रिलेटेड चीजें वो हमें बच्चों को बताएं। इसके साथ साथ हमारे जो डिक्टेशन है तो हम डिक्टेशन भी कराएं बच्चे के लिए, ताकि उसकी अंग्रेजी भाषा पे पकड़ जो है वो मजबूत हो। जी बिल्कुल, इस तरीके से ऐसा वातावरण बच्चों को देना चाहिए और इंस्पायरल वोकैबुलरी टेक्निक के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो शब्द वो बच्चा नया सीखे वो बार बार रिपीट करने का, रिवाइज करने का मौका एक मिल सके। जी बहुत सी बात बताई आपने सर। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम